डभोई तालुका के चांदोद स्थित आए हुए माधवनंद आश्रम के महंत श्री ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी सोरसी को मनाने के भाग रूप महाप्रसादी का आयोजन किया गया। डभोई तालुका के तीर्थधाम चांदोद स्थित माधवनंद आश्रम के ब्रह्मलीन महंत स्वामी श्री प्रकाश नंद गिरी जी महाराज के वेदांताचार्य की सोरसी के अंतर्गत धर्म सभा सहित महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जहाँ परम पूज्य प्रांत स्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी अखंडानंद सागर जी महाराज वेदांताचार्य के परम शिष्य वैसे महंत स्वामी प्रकाश नंद गिरी जी महाराज वेदांताचार्य बैसाख वद चतुर्थी गुरुवार 19 मई के दिन ब्रह्मलीन हुए थे। उनके पार्थिव देह को हजारों भक्तों की मौजूदगी में चांदोद नर्मदा नदी में जल समाधि दी गई थी। स्वामी जी ब्रह्मलीन होने के 16 दिन पूर्ण होते हुए माधवनंद आश्रम चांदोद स्थित विशेष रूप से धार्मिक विधि यानी कि सोरसी सहित महाप्रसादी का आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्वामी प्रकाशनंद गिरी जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कई महानुभाव तथा संत महंत और धर्म गुरु उपस्थित रहे थे। परम पूज्य स्वामी भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा दशनाम संन्यासी परंपरा एमा महापुरुषों जारे पोतानु शरीर पंचभौतिक शरीर छोड़े से लीलामय पंचभौतिक शरीर छोड़ी अने महापद ने ब्रह्मपद ने प्राप्त थाय छे जेने कहेवाय छे निर्वाण जयंती महोत्सव। तो परम पूज्य प्रातस्मरणीय 1008 स्वामी श्री प्रकाशनंद गिरिजी महाराज महंत स्वामी तारीख 19/5/2022 ना रोज पोतानुं पंचभौतिक शरीर लीलामय शरीर छोड़ी अने ब्रह्म पद ने प्राप्त थई गया, निर्वाण पद ने प्राप्त थया, अल्पज्ञमांथी छूटी अने महापद ब्रह्मरूप थई गया। तो एमनी संन्यासी परंपरा अनुसार जे सोरसी भंडारो आजे तारीख 3/6/2022 ना रोज सोरसी भंडारो राखवामां आव्यो हतो, तो संन्यासी महात्मा ने जन्म जयंती उजवामां आवती नथी अने सोरसी निर्वाण जयंती महोत्सव हर वर्षे उजवामां आवे छे। अने हवे आजथी हर वर्षे जयारे शरीर छोड्यो ए दिवसीय ए तिथि दिवसीय एमने निमित्ते ए उत्सव उजवामां आवशे। तो महापुरुषो पोतानो पंचभौतिक सनातन धर्मनी अंदर छोड़ी अने महापदने प्राप्त थाय छे, शरीर लीलामय धारण करे छे, त्यारे वैदिक परंपरा अनुसार भगवान शंकराचार्यना वैदिक शांकरी परंपरा अनुसार वेदांतनो प्रचार करी अने पोते तो ए ब्रह्मरूप थई गया होय छे, पण साथे साथे भक्तोने सेवकोने प्रजाने पण ए ધર્મનું જ્ઞાન આપી અને ધર્મને માર્ગે વાળે છે અને સાથે સાથે વ્યસન અને ફસનથી મુક્ત કરે છે। તો પ્રત્યેક માનવનું જીવન કહે છે કે વ્યસન અને વ્યમથી મુક્ત થાય તો ધીરે ધીરે પોતે પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ શકે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત